भाई आप में से जितने भी लोग एप्पल के डिवाइस में या फिर आईफोन 11, 12 में गेमिंग करते हो BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि एप्पल ने कुछ टाइम पहले एक अपना नया गैजेट लॉन्च किया है, या एक्सेसरीज भी ये कह सकते हो, एप्पल का बैटरी पैक, वो भी मैग सेफ वाला। तो इस वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे, मैं बताऊंगा इसके कुछ फीचर्स के बारे में, और ऐसी एक टेक्नोलॉजी एप्पल ने जो डाल तो रखी थी बट भाई रिवील नहीं करी थी, जिसे कहते हैं रिवर्स चार्जिंग का, तो वो सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे गेमर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि अपना चैनल भाई गेमिंग से रिलेटेड है, तो गेमिंग वाली ही चीज़ें हम बताते रहते हैं। बाकी भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, 10-15,000 लाइक जितने मन हो जाएंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि इसी तरह की जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से बॉक्स दिखता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ आईफोन बैटरी पैक। प्राइस की बात करूँ तो भाई बहुत महंगा है, मतलब नॉर्मल एक, हाँ मैं बता भी दूँ ये है क्या चीज़, ये एक तरह से पावर बैंक है एप्पल का, बट काफ़ी महंगा भाई, आपको 10,000-20,000 mAh का पावर बैंक 1-1.5 हज़ार रुपये में मिल जाता होगा दूसरी बैटरी, मतलब दूसरी कंपनीज का, बट ये 1400 कुछ mAh का है, और है पता कितने का, 11,000 रुपये का भाई, सब जरा सी चीज़, बट यूज़फुल है किन किन लोगों के लिए वो मैं सब बताऊंगा। अभी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, वही सिंपल एप्पल के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, वैसे ही अंदर डब्बे के कुछ नहीं है, कुछ पुस्तकें मिल जाएगी बस, और अपना मेन जो डिवाइस है वो इस तरह से पन्नी हटा लेते हैं, जो हमारा ओवरऑल डिवाइस है वो कुछ इस तरह से लगता है, और बैक साइड मैंने आपको कही थी मैक सेफ वाली है, तो ये पीछे से ऐसे लगेगा। बिल्ड क्वालिटी भाई ऑब्वियसली बात है एप्पल प्रोडक्ट है, तो प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का होता ही होता है, दिखने में भी और वैसे भी बनावट में भी। पूरे डिवाइस पे कहीं पर भी कोई भी बटन नहीं दिया गया है, जैसे नॉर्मल पावर बैंक्स में बटन होते हैं, बट इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है। मेरे पास यहाँ पर आईफोन 12 प्रो मैक्स है, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग प्लस मैक सेफ दोनों ही कंपेटेबल है, जो आईफोन 11 वगैरह है उसमें खाली वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, मैक सेफ का नहीं होता। तो सिंपल इसको डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, पीछे जो है आईफोन के आपके चिपक जाएगा और ये चार्जिंग करना जो है शुरू कर देगा, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो नोटिफिकेशन आ गई है, इस तरह से ये आपके फ़ोन में चिपका रहेगा और बैटरी पैक का काम करेगा, जैसे ही आपकी फ़ोन की चार्जिंग वार्जिंग खत्म हो जाती है तो इसको अपना पीछे लगा लो। बस इसकी जो डाउनसाइड है मैंने बताया, 1460 mAh पावर बैंक है, मतलब 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स फ़ोन के लिए तो समझ लो काम का है ही नहीं है, क्योंकि इतनी कम बैटरी पैक आप कितना ही चार्ज कर लोगे, लेकिन जिनके पास भी 12 या 12 मिनी है ना भाई, उनके लिए ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि 1460 mAh आपका एक तरह से एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। इसके अलावा एक और इसकी डाउनसाइड है कि जब आप इसको चार्ज पे लगाते हो ना, तो ये 5 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब एक तरह से ये आपके आईफोन को 5 वोल्ट चार्जर जितना चार्ज करेगा, जो काफ़ी स्लो है मेरे हिसाब से। तो एक तो बैटरी की कैपेसिटी भी कम है इसकी, ऊपर से चार्जिंग भी स्लो करता है, लेकिन एप्पल पैसे भाई अपने पूरे लेता, पूरे क्या ज्यादा लेता है, 11,000 रुपए का पावर बैंक। और इस बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए देख सकते हो यहां पर एक लाइटनिंग केबल लगाने का स्लॉट मिला हुआ है, तो डायरेक्ट आप केबल लगाओ और चार्ज कर लो। डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं मिला, ना ही चार्जर मिला है ना ही केबल मिली है, तो वो दोनों चीजें आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन इसकी सही चीज एक ये लगती है, अगर आप इसको अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करते हो ना पीछे, मतलब चिपकाते हो और इस वाले बैटरी पैक को चार्ज करते हो लाइटनिंग केबल के थ्रू, तो ये आपके आईफोन को भाई 15 वोट की फास्ट चार्जिंग देगा, तो वो स्पीड अच्छी रहती है। बट उसके लिए भाई आपको 20 वोट का चार्जर भी खरीदना पड़ेगा, उससे कम का अगर आप चार्जर लेके इससे कनेक्ट करोगे और फिर इसको फोन से कनेक्ट करोगे ना, तो 15 वोट की पावर सप्लाई नहीं देगा ये हमारे आईफोन को, 20 वोट का चार्जर लेना उसके लिए ज़रूरी है, जिसके लिए अलग से पैसे खर्चने पड़ेंगे। मतलब एप्पल तो भाई हर चीज़ में देख रहा है, डब्बे में से सब कुछ निकाल दो ताकि बंदा अलग से पैसे खर्चता ही रहे पूरी ज़िंदगी। अब बात करते हैं इस डिवाइस ने आईफोन के ऐसे कौन से फीचर को अनलॉक कर दिया जो पहले से फीचर था तो बट किसी को पता नहीं था। उस फीचर का नाम है भाई रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट। तो होता क्या रिवर्स चार्जिंग में, जब आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दोगे ना और फ़ोन को फिर एक लाइटनिंग केबल के थ्रू चार्जर से कनेक्ट कर दोगे, यानी कि आपकी जो पावर सप्लाई है ना वो फ़ोन में मिल रही है और फिर फ़ोन जो है ना वो आपके बैटरी पैक को भी चार्ज कर देगा साथ साथ, इसको कहते हैं भाई रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आईफोन 12 सीरीज के जितने भी फ़ोन है और इस वाले डिवाइस की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। अपना नॉर्मल चार्जिंग इस पे लगाओ, फ़ोन भी चार्ज होगा और फ़ोन साथ साथ आपके बैटरी पैक को भी चार्ज करेगा। वैसे तो काम इसका है फ़ोन को चार्ज करने का, बट जब आप इसमें चार्जिंग लगा दोगे तो फ़ोन आपके बैटरी पैक को चार्ज करने लग जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ की मुझे टेस्टिंग करनी है जो मैंने अभी तक नहीं करी है सच्ची बताऊँ तो। अब नॉर्मली लोग अपने आईफोन में कवर तो ज़रूर लगाते हैं, मैंने भी लगा रखे, नॉर्मल वाला कवर है, मैक सेफ वाला नहीं है, तो क्या कवर के साथ साथ भी ये इससे चिपक के चार्जिंग करेगा या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने लगा दी है, इसमें चार्जिंग का सपोर्ट मुझे
आया आया नहीं आया भाई, ओ हो रहा है ये देखो, तो कवर के साथ भी ये चार्ज हो रहा है। बट पंगा क्या है, जितनी पकड़ इसकी बिना कवर के थी ना, मतलब मैं उस वक्त लगा के इसको ऐसे उल्टा कर सकता था, बट अब मैं इसको उल्टा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उल्टा करते ही ये गिरने की हो जाएगा। देखो हल्का हल्का ऐसे लग रहा है निकल रहा है, और सीधा करते ही ये स्लाइड होने लग जाएगा। चिपक रहा है कवर के साथ भी, बट उतनी स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। देखो हल्का सा निकाला हट गया, जैसे मैं अगर इसको इसके थ्रू पकड़ना चाहूंगा ना तो ये टिकेगा नहीं है। देखो पहले ये विदाउट कवर आराम से टिक रहा था ऐसे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कवर के बिना ही यूज़ करो, या फिर इनके जो मैगसेफ वाले केस आते हैं ना उसमें प्रॉपर जगह बनी होती है जिससे कि चुंबक अच्छे से चिपक पाती है। मेरे पास कोई भी है नहीं इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, तो आप मैगसेफ वाला केस लो और इसको लगाओ आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे जो आराम से निकल रहा है ना उसमें सही रहेगा। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, कि मैंने शुरू में क्यों कहा ये गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है डिवाइस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी अपनी डाइट में ऐड किया है, जिसका नाम है वाव लाइफ साइंस का एप्पल साइडर विनेगर कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। वैसे यही सेम चीज ना लिक्विड में भी आती है इनकी, एसीवी ड्रिंक करके, जो कि रो एंड अनफिल्टर्ड होती है एंड विद मदर के साथ। बट बहुत लोगों को सिट्रिक एंड टैंगी टेस्ट कंज्यूम करना पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये कैप्सूल बेस्ट है क्योंकि इसका कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं है। अब आपको पता ही है मैं रेगुलर घर पर ही वर्कआउट करता हूँ या योगा करता हूँ फिट रहने के लिए। ये कैप्सूल आपके बॉडी वेट को मैनेज करेंगे एंड आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देते हैं। आप इसका एक कैप्सूल मॉर्निंग एंड एक इवनिंग में भी ले सकते हो, खाना खाने से कम 30 से 45 मिनट पहले। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो कि आजकल भाई काफी जरूरी है। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखता है। इसके अलावा इस कैप्सूल की मदद से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे और आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ते जाएंगे। खरीदना चाहते हो आप भी तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे, साथ ही साथ स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जैसवाल 20 करके, वो यूज़ करोगे तो भाई आपको 20% ऑफ मिलेगा वाव की ऐप और वेबसाइट पे। वैसे आप खरीद अमेजोन नाइका से भी सकते हो, बट वहाँ पे ये कूपन कोड नहीं चलेगा। अब बात करते हैं फटाफट से कि कैसे ये एप्पल का मैगसेफ बैटरी पैक आपके गेमिंग में हेल्प कर सकता है। तो पंगा ये है यार, जब भी हम गेमिंग करते हैं ना तो बताइए आपको बैटरी कितनी जल्दी ड्रेन हो जाती है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, तो स्पेशली तो जब चार्जिंग पे हम डायरेक्ट फ़ोन को लगाते हैं ना तो उससे क्या है ना यहाँ पर केबल काफ़ी अड़ती है, तो आप प्रॉपर गेमिंग कर नहीं पाते। जैसे BGMI खेलनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है, तो ये तार ना काफ़ी ज़्यादा अड़ती है यहाँ पर। बट इस डिवाइस से क्या होगा, आराम से इसको लगा दो पीछे की साइड, कोई केबल की झंझट नहीं, और मस्त आपका फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, हाथ में कुछ तार वार अड़ भी नहीं रही है, और मस्त गेमिंग भी कर लो। साथ अगर आप इसको भी कनेक्ट कर दोगे ना, जैसे मैंने बताया बैटरी पैक को अगर आप 20 वोल्ट के चार्जर के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो तार जो है ना भाई वो देखोगे आप पीछे की साइड से निकलेगी, जो आपकी उंगलियों में नहीं अटकेगी बिल्कुल भी। तो उससे क्या होगा, आप चार्ज पे लगा के भी बैटरी पैक का यूज कर सकते हो। मैंने ये आपको फिर से बताया 1460 mAh का ये बैटरी पैक है, इसलिए जितने भी आईफोन 12 प्रो यूजर्स या प्रो मैक्स यूजर्स है ना उनके लिए तो ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जितने भी मिनी या फिर आईफोन 12 वाले यूजर्स हैं ना उनके लिए ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। ज़्यादा भी नहीं है कैपेसिटी पर ठीक ठाक है, तो आप गेमिंग में इसको भले ही वायर लगा के यूज़ कर लो या बिना वायर के यूज़ कर लो, आप नॉन स्टॉप गेमिंग कर पाओगे मस्त, और आपकी तार भी नहीं अड़ेगी उंगलियों में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी भाई मुझे गेमिंग करते वक्त, मतलब मज़ा सा आ जाएगा जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं इन फ़ोन की मदद से। अब बात आती है भाई जो पुराने आईफोन से है, जैसे कि 11 के जितने भी पार्ट्स थे उसमें ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो यार देखो जिन भी आईफोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है ना उसमें ये काम करेगा, बट 11 सीरीज जो थी ना भाई उसमें मैगसेफ का सपोर्ट नहीं था, तो ये चीज़ जो चिपकने वाली चीज़ थी ना ये आप 11 के किसी भी फ़ोन में नहीं कर पाओगे। हाँ लगा के इसको चार्ज कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चिपकेगा नहीं साथ में, तो एज अ बैटरी पैक का यूज़ नहीं हो रहा आपको, फिर वो पकड़ पकड़ के घूमना पड़ेगा ऐसे, वो मुझे लगता नहीं है कोई सेंस बनाता है। इसलिए आईफोन 12 अगर आप यूज़र हो ना, 12 मिनी हो प्रो मैक्स हो, उसमें ये प्रॉपर अपनी क्षमता दिखाएगा आपको। इसके अलावा प्राइस की बात कर ले तो लगभग 10,900 कुछ का है, 11,000 ही लगा लो, और 1460 mAh 11,000 रुपये में मिल रहे हैं, वर्थ नहीं है उस हिसाब से, बट गेमिंग के लिए काम आ जाएगा। और एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक आप यूज़ कर सकते हो अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पर, वो भी मिनी और 12 के लिए यूज़फुल है, ये बड़े वाले आईफोन को तो क्या ही चार्ज करेगा छुटकू सा डिवाइस। तो मेरे हिसाब से एप्पल प्रोडक्ट है ओवर प्राइज रहते ही, एप्पल के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ये भी ओवर प्राइज है, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइज है। आपकी क्या राय है इसकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी गेमिंग से रिलेटेड थोड़ी सी मैंने कहा यूज़फुल चीज़ है इसलिए वीडियो बना देते हैं इसके बारे में, मैंने भी इसलिए खरीदा, ज़्यादा यूज़ तो आता नहीं है मेरे भी। ओके जी, फिर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो पसंद आई तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।